हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं हैशटैग नो एडिट्स। वेलकम टू माय चैनल गाइस, वेलकम टू एन अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग ऐसा कुछ है कि हम बनाने वाले हैं पैनकेक्स। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, आप लोगों ने मेरे वीडियोस में मेरे भांजे सूरज शास्त्री को तो देखा ही होगा, और लास्ट वीडियो में उसने कुछ कुक करके मुझे खिलाया था, वो आपने ज़रूर देखा होगा। नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाइए और फिर से देखिए वो वीडियो, और देख के बताना मुझे कि ओके वीडियो आपको कैसा लगा। तो जैसे कि मेरे भांजे सूरज को कुकिंग का बहुत शौक है और वो खाना भी बहुत अच्छा बनाता है। वैसे ये मेरी भांजी है, इसका नाम है सुहानी दवे। यस, तो ये इसका नाम है सुहानी दवे और इसे भी कुकिंग का काफ़ी शौक है। ये भी खाना बहुत अच्छा बनाती है इतनी कम उम्र में। इमेजिन गाइज, इतनी कम उम्र में ये लोग खाना बना रहे हैं और ये भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। कुछ कुछ डिशेज इसे भी पसंद है और मुझे भी पसंद है। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं पैनकेक, जो कि ये बनाने वाली है गाइज। तो देखते हैं कैसा बनता है पैनकेक्स और क्या हम लोग यूज़ कर रहे हैं, क्या ये यूज़ करके पैनकेक्स बनाने वाली है, ठीक है। और एक गाइज, और एक चीज़, जैसे कि इस चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना जाना मत, क्योंकि आप लोग वीडियो ज़रूर देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, ठीक है। तो स्टे ट्यून, पूरा वीडियो देखना, वीडियो देखने के बाद लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना, और क्या करना, लाइक करना इस वीडियो को, और क्या करना, कमेंट में बताना, और सब्सक्राइब। यस, क्या करना, सब्सक्राइब करना। यस, तो गाइज वीडियो एंड तक देखना, एंड तक देखने के बाद लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। स्टे ट्यून, लेट्स गो एंड मेक पैनकेक्स। ये हेलो गाइज, तो जैसे कि हम लोग बनाने वाले हैं पैनकेक्स, तो पैनकेक के लिए हम लोग इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं। ये है मैदा, इसके बाद ये है पिसी हुई शक्कर, अमूल बटर, हम लोग यूज़ कर रहे हैं मिल्क, जैसे कि हम लोग 2 कप मिल्क यूज़ करने वाले हैं, और इसमें डालेंगे इनो, इनो के साथ ये सॉल्ट। तो ये जो इंग्रेडिएंट्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं, हम लोग इतने कम इंग्रेडिएंट्स में यूज़ करके हम लोग बनाएंगे पैनकेक। स्टे ट्यून गाइस। ओके, तो आपने खाली बाउल में पहले मैदा डाला है, उसके बाद पिसी हुई शक्कर डाल दी है, तो आप दोनों को अभी अच्छे तरह से मिक्स करेंगे, राइट? ओके, अच्छा आपको इस तरह से आप मिक्स दोनों को मिक्स कर लेना है। ओके, देन अच्छा अमूल बटर कितना लेंगे आप? अच्छा, तो आप 1 चम्मच मतलब अमूल बटर भी इसमें आप डाल रहे हो, ठीक है। ओके, अमूल बटर के साथ आप पिंच ऑफ सॉल्ट भी डाल रहे हो। ओके ओके, ओके अच्छा, ये मेरे ख्याल से फ्लफी होने के लिए, राइट? ओके, तो गाइज इनो भी आप डाल सकते हैं, अगर आपके पास बेकिंग सोडा है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। हम लोग इनो इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि वो इजी पड़ता है, और इनो और बेकिंग सोडा डालने का ये मोटिव है कि जो भी आप केक्स या पैनकेक्स बनाते हैं वो फ्लफी हो जाते हैं, राइट सुहानी? ओके, अब क्या करना है? अच्छा, इतने इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद आप सबको मिक्स कर लेना है। अच्छा, अच्छे से मिक्स कर लीजिए गाइज। उसके बाद
ये सब डालने के बाद गाइस आपको 2 कप दूध डालना है। अच्छा, दूध भी आपको गाइस कैसे डालना है वो देख लीजिए, तो आप इजीली आप अपने घर पे भी पैनकेक्स बना सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके डालना है, राइट? थोड़ा थोड़ा क्यों डालना है? क्योंकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए। अब एक साथ में डाल देंगे तो वो अच्छे से मिक्स नहीं होगा। जैसे आप देख सकते हो, अच्छे से मिक्स होने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा इसमें डालना है गाइस। ठीक है, सुहानी करिए आप अपना काम, हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं। अच्छा सा पैनकेक्स बनाइए और हमें खिलाइए, राइट गाइस? अच्छा, 1 कप डाल दिया था, अभी ये 2 कप जा रहा है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा पैन डालना है। इसे अच्छे से मिक्स भी करते रहना है आपको। मिक्स कब तक करना है सुहानी? अच्छा, ये पूरा बैटर 2 से 3 मिनट तक मिक्स करना है। ओके, जैसे कि हमने 2 कप दूध डाल दिया है इसमें और अभी हम इसे मिक्स करेंगे। मिक्स कब तक करना है गाइस? जैसे कि 2 से 3 मिनट तक। 2 से 3 मिनट तक हम मिक्स करेंगे, जब तक इसका बैटर जो है वो कैसा होना चाहिए सुहानी? एकदम स्मूथ हो जाए तब तक, राइट? ठीक है, तो हम इसे मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद आपको मिलते हैं गाइस, स्टे ट्यून। ऑलराइट, तो जैसे कि हमने गाइस बताया था बैटर एकदम स्मूथ होना चाहिए, तो आप देख सकते हो ये बैटर जो एकदम स्मूथ हो चुका है। तो एंड इट्स रेडी फॉर मेकिंग पैनकेक्स, और हम बनाने के लिए इस पैनकेक्स को बनाने के लिए यूज़ कर रहे हैं डोसा पैन। तो अगर गाइस आपके घर पे भी डोसा पैन हो तो आप इसे इस्तेमाल करके पैनकेक्स बना सकते हो। तो स्टे ट्यून, आपको मैं बताता हूँ और पूरी तरकीब कैसे बनती है इस पैनकेक्स, स्टे ट्यून। ओ, बहुत स्ट्रगल के बाद ये गैस चालू हुआ है। अच्छा, तो गैस चालू होने के बाद क्या करना है? ये हम डोसा जो पैन है वो हम इसके अंदर। अच्छा, गैस पे हमने पैन को रख दिया है, ठीक है? अच्छा, गरम हो जाए। ज़्यादा गरम करना है कि हल्का गरम करना है? हल्का गरम करना है, ओके। फिर क्या करना है, इस पर कुछ डालना है? अच्छा, थोड़ा घी डालेंगे, ओके, ठीक है। कितना गर्म होने देना है, कितने टाइम तक इसे रखना है हीट पे? 5 से 10 सेकंड में हीट हो जाती है, क्या बात है। थोड़ा फास्ट करना है, ओके, तवे को थोड़ा फास्ट करना है ताकि ये गर्म हो जाए। संभाल के, थोड़ा जल ना जाओ कहीं आप। हो गया? अच्छा, तो अच्छा फ्लेम को स्लो कर देना है, उसके बाद अच्छा थोड़ा सा गाइस घी डालना है, राइट? अच्छा, आप देख सकते हैं उसने घी डाल दिया है, ओके। घी को स्प्रेड कर देना है क्या? ओके, अच्छा घी को स्प्रेड कर देना है थोड़ा सा। फिर क्या करना है? फिर ये बैटर जो आप मिक्स किया है वो, अच्छा वो डाल देना है क्या? ओके, कम ऑन, रेडी, 1 2 3 गो। अच्छा, इस तरह से आपको बैटर को प्लेस कर देना है तवे के ऊपर। फिर क्या करना है? हम ये स्टील का ढक्कन ले रहे हैं तो ये जो पैनकेक्स है वो अच्छे से कुक हो जाए। अच्छा, ये स्टील का ढक्कन से क्या करना है, इसे ढक देना है। ओके गाइस, तो पैनकेक जैसे आप अगर बैटर को तवे पे डाल देते हो तो बैटर को आपको जो है स्टील के ढक्कन से आपको ढक देना है ताकि ये अच्छे से बेक हो जाए। और ये कितने टाइम तक बेक करना है सुहानी? कितने मिनट तक, फिर से बताइए? 1 से 2 मिनट तक बेक करना है, ठीक है गाइस? तो 1 से 2 मिनट तक इसे बेक होने देते हैं और हम फिर मिलते हैं ये बेक होने के बाद। Stay tuned. Guys, जैसे कि अब टाइम आ गया है इसे ओपन करने का, कम ऑन सुहानी।
ओके, इसे ओपन कर लिया है, फिर क्या करना है? अच्छा, इसको गाइस पलट लेना है। ओ ओ ओ, इजी इजी इजी। अच्छा गाइस, ये पैनकेक कुछ इस तरह से बन गया है। पलटने के बाद क्या करना है? फिर से ढक देना है गाइस। पलटने के बाद इसे फिर से ढक देना है। कितना मिनट ढकना है फिर से? एक से दो मिनट। फिर से एक से दो मिनट। ओके गाइस, सो फिर से एक से दो मिनट तक इसे, अब हम इसे, छोटू सा हमारा पैनकेक इज रेडी। ओह वाओ, बहुत सही दिख रहा है सुहानी। अच्छा ये रेडी हो चुका है। अच्छा ऐसे पैनकेक हम काफी बनाएंगे, राइट? ओके ठीक है गाइस, हम मिलते हैं पैनकेक्स के साथ। टडा गाइस, तो हमारा पैनकेक रेडी हो चुका है और पैनकेक कुछ इस तरह से हमारा दिख रहा है। वाव सुहानी, क्या पैनकेक बनाया है आपने, वाव। तो गाइस देखिए, ये पैनकेक को हम लोग ने गार्निश किया है किटकैट चॉकलेट एंड टूटी फूटी के साथ। आइए तो ये जो पैनकेक हमारा बना है, हम खा के बताते हैं कैसे बना है। स्टे ट्यून। हेलो, जैसे कि हमारा पैनकेक रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो गाइस, ये पैनकेक हमारा रेडी हो चुका है और अब मैं इसे टेस्ट करूंगा और आपको बताऊंगा इसका टेस्ट कैसा है। पकड़िए, बहुत अच्छा बना यार। गाइस इसका टेस्ट बहुत ही मज़ा आ रहा है, जैसे बाहर बनता है वैसे ही बना है पैनकेक। चलो तो गाइस, ये पैनकेक का मज़ा तो हम ले लेंगे और आपको ये बताना है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए कैसा था, कितना आपको बेनिफिट हुआ है, क्या आप घर पे पैनकेक्स बनाने का ट्राई करने वाले हैं, और अगर ट्राई कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा, और ये वीडियो आपको कैसा लगा है वो भी आप मुझे बताइएगा। और यस, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाना मत, ठीक है? तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू।